सब्सक्राइब कीजिए न्यू स्पेस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो फिर मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वन पाइस के सबसे रेयर और कीमती सिक्के के बारे में, और इस वन पाइस सिक्के को घोड़ा वाला कॉइन भी कहते हैं। और ऐसे वन पाइस सिक्का जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था 1950 से 1955 तक। मिंट था बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। मेटल है ब्रोंज, वेट है 2.9 ग्राम और डायमीटर 21.3 mm। रिवर्स साइड में है, एकदम सेंटर में एक घोड़े की पोर्ट्रेट, लेफ्ट साइड में है इंग्लिश में वन पाइस, राइट साइड में है हिंदी में एक पैसा, और पोर्ट्रेट के नीचे है इस कॉइन का मिंट ईयर, और मिंट ईयर के नीचे है इस कॉइन का मिंट मार्क। अवर साइड में है अशोका लायन, और राउंड सर्कल में इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अशोका लायन के नीचे है एक स्टार, लेकिन ये कोई मिंट मार्क नहीं है। और ऐसे वन पाइस के कॉइन में सबसे रेयर है 1953 के हैदराबाद मिंट का कॉइन, 1954 हैदराबाद मिंट और 1955 के हैदराबाद मिंट का कॉइन। और मेरे हाथ में 1954 वन पाइस के ये जो कॉइन है, ये है हैदराबाद मिंट का कॉइन, और इसका मिंट मार्क थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। 1954 के नीचे आप देख सकते हैं एक डायमंड मिंट मार्क जो बीच में से स्प्लिट हुआ है, और इस मिंट मार्क को कहते हैं स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क। हम सभी जानते हैं आज के डेट में हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है स्टार, लेकिन ईयर 1953 से 1960 तक हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क था स्प्लिट डायमंड। और ऐसे स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा 1953, 1954 और 1955 के वन पाइस के सिक्के में। और आज की डेट में 1953 हैदराबाद मिंट वन पाइस का सिक्का है सबसे कीमती। एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन में प्राइस है 20,000 से 25,000 रुपीस। और 1954 हैदराबाद मिंट का प्राइस है एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 2,500 से 4,500 रुपीस। और 1955 हैदराबाद मिंट का कॉइन का प्राइस है 3,500 से 6,500 रुपीस। तो दोस्तों, अगर आपके पास वन पाइस के ऐसे सिक्के हैं तो उस कॉइन का मिंट मार्क आप जरूर चेक कीजिए। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कॉइन्स और नोट से रिलेटेड वीडियो मैं एवरी डे शाम 7:30 बजे अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।